तो जब भी हम सीओडी का नाम सुनते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी ने हमें पास्ट में काफी बड़े बड़े टाइटल दिए जिसे खेल के काफी ज्यादा मजा आ जाता है। एंड जब से वॉरजोन पीसी में सक्सेस हुआ है तब से बहुत सारे फैंस ये चाहते थे कि वॉरजोन मोबाइल के लिए भी लॉन्च होना चाहिए। एंड जब वॉरजोन मोबाइल के लिए लॉन्च हुआ था फैंस ने बस एक ही चीज बोला, खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ तक कि Google Play Store पे Warzone का रेटिंग 2.6 तक गिर चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गेम के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों इस गेम को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और फ्यूचर में Warzone वापस आ सकता है या नहीं, और इसके न्यू अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो जब मैंने देखा कि Warzone का रेटिंग काफी ज्यादा गिर गया तो मैंने Warzone डाउनलोड करा, फिर मैंने खेलने के बाद पता लगाया कि किस वजह से इसको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो यार इसे अच्छे से समझो, तो जब आप इस गेम को डाउनलोड करने जाओगे तो आपको 2 GB के आसपास इस गेम का फाइल देखने को मिलेगा। तो जब आप इस गेम को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको गेम के अंदर 5 GB का और फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे इस गेम का टोटल गेम साइज 7.5 GB हो जाता है। सारे फाइल्स डाउनलोड करके जब आप इस गेम को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको लॉबी दिखाई देता है, जिसमें आपको इवेंट, स्टोर, बैटल पास और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और गेम में 2 मोड, बैटल रॉयल और रिसर्जन, और दोनों ही गेम मोड में आप सोलो, डुओ और स्क्वाड चूज कर सकते हो। इस गेम में आपको क्लासिक सीओडी मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिलता है, एग्जांपल के तौर पे किल कंफर्म, डोमिनेशन और टीम डेथ मैच। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, और 2 फेमस मैप भी है जैसे कि रीबर्थ आइलैंड और वेडेंस। और साथ ही इस गेम में आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो और अपने वेपन को भी। इस गेम में ये भी फीचर है, अगर आपके पास कोई सी पुरानी वॉरजोन आईडी है पीसी एंड कंसोल वाली, जिसके अंदर आपके पास न्यू स्किन, न्यू ड्रेस और कार की वेपन की स्किन है, तो आप वो आईडी अपने मोबाइल वाले वॉरजोन में लॉगिन कर पाओगे। तो अगर आपने कभी वॉरजोन नहीं खेला तो आप इस गेम का गेम प्ले समझ सकते हो कि इस गेम का क्यों नहीं डाउनलोड करना चाहिए। इस गेम में बैटल रॉयल मोड है जिसके अंदर 120 प्लेयर एक साथ मिलकर खेल सकते हैं, और अगर आप किल हो जाते हो तो आप गुलाग में रिस्पॉन होते हो, जिसमें आपको वहाँ पे एनिमी को मारना पड़ेगा तब जाके आप वापस आ सकते हो रियल मैच में। एग्जाम्पल के तौर पे BGMI का पिछला अपडेट देख लो, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो ये तो हो गया गेम के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं इस गेम के प्रॉब्लम के बारे में कि इस गेम में हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्लेयर मूवमेंट काफी ज्यादा अजीब और स्लो है, क्योंकि सीओडी अपने फास्ट और स्मूथ प्लेयर मूवमेंट की वजह से जाना जाता है, और स्लाइडिंग एंड जंपिंग भी काफी ज्यादा ऑफ ऑफ लगता है, और इस वजह से गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा नहीं आता। एंड बात की जाए इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम के ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है, डिसेंट लेवल के है, जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस गेम के डेवलपर का ये कहना था कि इस गेम में न्यू टेक्नोलॉजी लगी है, यानी जितना ज्यादा आप गेम खेलोगे उतना ज्यादा आपको गेम के ग्राफिक्स अच्छे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आप गेम खेलते समय गेम के टेक्सचर्स और ग्राफिक्स भी डाउनलोड कर रहे होते हो, जिसके कारण फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है और गेम क्रैश हो जाता है एंड दोबारा लॉगिन भी नहीं होता। और ये सब प्रॉब्लम आ रहा है 30-40 हजार वाले फोन में, एग्जांपल के तौर पे OnePlus और Galaxy S24 वाले फोन में भी नहीं है, जिसके अंदर Snapdragon 8 Plus Gen वाला चिप होता है। तो आप 15-20 हजार वाले फोन तो भूल ही जाओ, इन सारे फोन में बिल्कुल नहीं चलेगा Warzone। लेकिन अगर आपके पास iPhone 50 है तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि iPhone में काफी आराम से प्ले हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। और जिनके पास नॉर्मल फोन है एंड मिडिल रेंज वाला फोन है, उन सभी को हीटिंग और गेम क्रैश वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और फिर वो लोग गेम को बेकार बोल के गेम को डिलीट कर रहे हैं, जिसके कारण गूगल प्ले स्टोर पे गेम की रेटिंग काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि गेम के साउंड मैकेनिज्म, कई बार एनिमी आपके बहुत ज्यादा पास होता है लेकिन उसके फुट स्टेप आपको सुनाई नहीं देते और फिर वो आपको मार के चला जाता है। तो जब गेम लॉन्च हुआ उसके बाद एक न्यू अपडेट आया है, और इस अपडेट में एक्टिविजन का कहना है कि उन्होंने गेम के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूविंग किया है, जैसा कि जिन जिन फोन में वॉरजोन सपोर्ट नहीं कर पा रहा वो लोग अब डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। एंड 2-3 चीज और एक्टिविजन ने बोला आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन इसके बाद भी प्लेयर्स को प्रॉब्लम आ रहा है, ग्राफिक्स काफी ज्यादा बेकार आ रहा है, हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और गेम क्रैश हो रहा है। लगता है एक्टिविजन ने ये सब यूं ही बोल दिया है। अगर वो लोग सच में इन सारे प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते तो हमें इन सारे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। गेम खेल के ऐसा लगता है कि गेम अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, इस गेम पे और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। आधा घंटा गेम खेल के ऐसा लगता है कि फोन अभी तुरंत फट जाएगा। इन सब का मतलब अगर आपको वॉरजोन खेलना है तो आपको आईफोन लेना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉइड में तो वॉरजोन सपोर्ट करने से रहा। तो मुझे बताना जरूर कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो अगर आपको जरा से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना।